नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीईओ एग्जाम 2020। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 अप्रैल 2020 की। दिन भर की हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं और इस समय बात करेंगे, लो आ गई बड़ी खबर। तो दोस्तों इस समय एक बड़ी अपडेट सारे पहले हम उसको आपको देना चाहेंगे कि दोस्तों जैसे ही आपका लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे ही आपका पेपर कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट है। तो लॉकडाउन समाप्त होते ही दोस्तों बीईओ की परीक्षा होगी। फिलहाल दोस्तों आपको पता है कि कल 14 अप्रैल को दोस्तों पीएम मोदी जी संदेश देने वाले हैं देश को। तो उसमें दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं लॉकडाउन को लेकर। देखिए मैक्सिमम संभावना यह बन रही है कि 30 अप्रैल तक हमारा लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो बस 30 अप्रैल तक, मतलब इसका मतलब साफ है कि 30 अप्रैल तक तो ये पेपर नहीं हो पाएगा। लेकिन 30 अप्रैल के बाद देखिए एक बात और आपको बता दें, इस समय आपको अफवाहों से भी बचना है। जी हाँ दोस्तों, काफी अफवाहें फैल रही हैं, आपका पेपर जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, जून में होगा, लेकिन आप सच्चाई जानिए कि आपका पेपर कब तक हो सकता है। और उससे बड़ी अपडेट दोस्तों आपके लिए ये है कि इस समय आपको डबल मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है परीक्षा के लिए दोस्तों आपके पास 309 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होनी है, लेकिन अगर आप लोग इस समय मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये भी दोस्तों आपको श्योर होना चाहिए कि आप बाहर हो जाएंगे बीईओ की परीक्षा से, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। और बता दें जो ये लॉकडाउन हुआ है उससे छात्रों को समय बहुत ही ज्यादा मिल गया। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे पहले 4-5 घंटे पढ़ते थे दोस्तों आज वही बच्चे कम से कम नहीं तो 8 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। डबल कर दी उन्होंने पढ़ाई, क्योंकि अब घर पर रहना है, कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ पढ़ना है पढ़ना पढ़ना। तो अगर दोस्तों इस समय आप गलती कर रहे हैं कि इस समय आप न्यूज चैनल या कुछ और देख रहे हैं कि जिससे मतलब आपका टाइम बेकार हो, तो फिलहाल आपको बच के रहना है, ठीक है ना। तो काफी छात्रों को दोस्तों हमारे पास मैसेजेस आते हैं, काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसलिए दोस्तों हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि सभी छात्र दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी हो सकती है। तो आप लोग जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसको डबल या ट्रिपल कर सकते हैं, समय अच्छा है। 4 घंटों को दोस्तों आप लोग बदल के 12 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका लॉकडाउन है, कुछ काम तो है नहीं। लेकिन दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। ये मत सोचिए हमारा पेपर जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम दोस्तों आपको देंगे, यूपी टेट की परीक्षा दोस्तों पहले आपकी 22 दिसंबर को होने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, 22 दिसंबर 2019 की अभी बात है। उस समय दोस्तों आपको पता होगा CAA को लेकर थोड़ा बहुत हिंसा प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन दोस्तों यही परीक्षा 22 दिसंबर को जैसे ही हिंसा प्रदर्शन ये सब समाप्त होता है उसके बाद दोस्तों ये परीक्षा को 8 जनवरी 2020 को करा लिया जाता है। और दोस्तों इस परीक्षा में तकरीबन 16 लाख से अधिक छात्र थे, और बीईओ की परीक्षा में दोस्तों तकरीबन 5 लाख से अधिक छात्र है। तो मतलब 5 लाख और 16 लाख में काफी डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो मतलब सरकार पूरी तरीके से तैयार होती है, परीक्षा दोस्तों 2 दिन पहले 2 दिन बाद सब कुछ सरकार इसको मैनेज कर लेती है। तो मतलब आप लोग को एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। एक बात और आपको बता दें, आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि क्या आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, न्यू एडमिट कार्ड। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको एक अपडेट देते हैं कि आपको हो सकता है कि नए एडमिट कार्ड की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोस्तों जैसे ही पिछली बार दोस्तों जैसे यूपी टेट में ये नियम आया था कि जब आप लोग एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके थे तो दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर दोबारा करेंगे तो दोस्तों उसमें सिर्फ डेट मेंशन जो होता है ना, तारीख बदल जाएगी। जैसे दोस्तों हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड पर अभी जो तारीख दोस्तों दी गई होगी वो 22 मार्च की लिखी होगी, लेकिन दोस्तों जो आपका नया एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों उसमें खाली तारीख बदल दी जाएगी बस। और एक बात और आपको बताएं, आप लोग सोच रहे होंगे नहीं यार इसमें हमारा सेंटर चेंज हो सकता है, ठीक है सेंटर चेंज को लेकर दोस्तों काफी अफवाहें चल रही है कि सेंटर चेंज होगा, लेकिन इसकी उम्मीद आप काफी कम ही समझिए, क्योंकि आप लोग का पेपर तभी होगा जब कोरोना का संक्रमण तकरीबन तकरीबन समाप्त तो हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो यार कोरोना वायरस के चलते ये पेपर होगा तो ये काफी मुश्किल है। इसका रीजन दोस्तों ये है कि कम से कम जब आपका पेपर कराया जाएगा तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 2 छात्रों के बीच में कम से कम नहीं तो 2-2 मीटर की डिस्टेंसिंग। और दोस्तों कल एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से ये कहा गया कि 4 मीटर तक ये कोरोना वायरस का संक्रमण आपको हो सकता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों 4 मीटर की जो दूरी बनाए रखनी पड़ सकती है। तो मतलब काफी मुश्किल होगा, मतलब जब तक कोरोना वायरस है तब तक आप ये मान के चल सकते हैं तब तक ये पेपर नहीं कराया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर जब कंप्लीट लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद दोस्तों डेफिनेटली पेपर कराया जाएगा। देखिए पेपर कराया जाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपकी आती है नंबर 1, वो आती है ट्रेवलिंग। जी हाँ दोस्तों, ट्रेवल आप कैसे करके जाएंगे, पहले आप लोग का ट्रेन चालू होना चाहिए जिन बच्चों का सेंटर दूर है। उसके बाद दोस्तों बसेस की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको फ्लाइट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जब तक आपकी ट्रेवल एजेंसियां दोस्तों जितनी भी है मतलब सब कुछ तो बंद चल रहा है, तो जब तक दोस्तों आप लोग का नहीं होता है कि कैसे शुरू होता है ट्रेवलिंग, तो उसके बाद ही आप लोग का पेपर होगा। और एक बात और आपको बता दें, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं।
जी हाँ दोस्तों, अभी परीक्षा की तारीख आपकी जारी नहीं की गई है, लेकिन अफवाहें काफी फैलती हैं, तो हम सोचते हैं कि दोस्तों आपको उसका समाधान दिया जाना चाहिए। हमने आपको कमेंट बॉक्स में नीचे एक लिंक दे रखा है, जैसे ही दोस्तों आप लोग की परीक्षा की तारीख घोषित होगी, सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपना जो डेट शीट होगा वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए फिलहाल आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 अप्रैल, हो सकता है दोस्तों आप इस वीडियो को 14 अप्रैल को देख रहे हो या कभी और देख रहे हो, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक होगा वहां अपडेट आती रहेगी, उसको लेकर आप चिंतित मत होइएगा। हमने आपसे कहा था यह गलती मत करना। कौन सी गलती की बात हम कह रहे थे? देखिए गलती आपसे ये हो रही है कि इस समय आप पढ़ाई कम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं यार कोई पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, कोरोना का वायरस से काफी खतरनाक है। डेफिनेटली दोस्तों ये काफी ज्यादा खतरनाक है, नो डाउट। लेकिन अगर आप घर में रहेंगे तो दोस्तों कोरोना वायरस आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, आप घर में तो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन हाँ कोरोना वायरस से दोस्तों दिक्कत आपको तब हो सकती है जब आप मार्केट में जाते हैं, तो फिर तो आपको डरने की जरूरत पड़ेगी। इस समय की एक और बड़ी अपडेट आई, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन, सिर्फ गरीबों का हो पाएगा प्राइवेट में मुफ्त कोरोना टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ गरीबों के लिए हो गई, लेकिन गरीबों में कौन से लोग गरीब होंगे उसकी अपडेट सभी हम आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश में संशोधन किया है जो उन्होंने पिछले हफ्ते सभी को मुफ्त में कोरोना टेस्ट प्राइवेट लैब में कराने का लेकर दिया था। सोमवार को दो जजों के बेंच जस्टिस अशोक भूषण और एस रविंद्र भट्ट ने यह आदेश दिया कि जो लोग टेस्ट के लिए 4,500 रुपये नहीं चुका सकते हैं उन्हीं की प्राइवेट लैब में मुफ्त जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत योग्य हैं उन्हें इस टेस्ट के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। जजों ने केंद्र सरकार को यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि अन्य श्रेणी के कमजोर तबके के बारे में नोटिफाई करें ताकि वे लोग बिना पैसे दिए प्राइवेट लैब में कोरोना का टेस्ट करा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अलावा अन्य कम आय वर्ग की श्रेणी में आने वाले लोगों के बारे में सरकार विचार कर सकती है कि क्या उनकी मुफ्त कोविड-19 जांच की जाए, और इस बारे में एक हफ्ते के अंदर गाइडलाइंस दोस्तों जारी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे केस में मुफ्त जांच का वित्तीय बोझ प्राइवेट लैब नहीं उठा पाते तो ऐसे लैब की तरफ से होने वाली मुफ्त जांच पर खर्च सरकार भरपाई करने के लिए गाइडलाइंस के साथ आए। इससे पहले वकील शशांक देव सुद्धी की तरफ से दायर याचिका में यह कहा गया था कि सरकारी अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा लोग पहले से ही हैं, ऐसी स्थिति में प्राइवेट लैब में जाने के लिए लोगों को मजबूर किया गया। इसके बाद 8 अप्रैल को कोर्ट ने सभी के लिए प्राइवेट लैब में मुफ्त कोरोना जांच कराने का आदेश दे दिया था। तो दोस्तों ये मुफ्त वाले जो चीजें हैं ये काफी सही है, क्योंकि एक गरीब इंसान 4,500 रुपये नहीं दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में 10 लोग हैं, मान के चलिए, देखिए जब ये जांच होती है अगर आपके परिवार में 10 सदस्य होते हैं तो अगर 10 लोगों की हम जांच 4,500 के हिसाब से कराते हैं तो ये 45,000 रुपये बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना बड़ा परिवार उतना बड़ी टेस्ट, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये 4,500 वाला पूरा मैटर क्या है, ठीक है ना। काफी मुश्किलात हो सकती है एक गरीब फैमिली के लिए, अगर आप अमीर घराने से आते तो आपके लिए 4,500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए होता क्या है कि शहरों में दोस्तों आपको छोटा परिवार होता है, गांव में रहते हैं पूरा होता है ना कि मिलजुल कर रहते हैं सभी लोग, तो 10 लोग 20 लोग 30 30 लोग भी हो जाते हैं दोस्तों सबको मिला के, लेकिन सोचिए फिर कितना महंगा आपके लिए पड़ सकता है। तो इसको सरकार को मुफ्त करना चाहिए, सरकार को इसका खर्च उठाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ कंपनियों को सशर्त काम की इजाजत देने की तैयारी में सरकार है, वेतन गारंटी का भी विचार हो रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या अपडेट्स है? जिन कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान काम की इजाजत दी जाएगी उनके कामगारों को मांग के अनुरूप ड्यूटी पर जाना होगा। संक्रमण रोकने के लिए जरूरी उपायों के साथ सरकार सीमित कार्यबल के साथ कई उद्योगों और लघु उद्योग इकाइयों को जरूरी काम शुरू करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। मंत्रालयों के सुझाव के अनुरूप रियायतें दी जाएंगी। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय कामगारों के वेतन के लिए नियोक्ताओं की जिम्मेदारी के संबंध में जल्द दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इस तरह के सुझाव सामने आए हैं कि सभी नियोक्ता जिनकी इकाई को संचालित करने की अनुमति है उन्हें मजदूरों को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि मजदूर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं तो काम के बिना कोई वेतन गारंटी नियोक्ता की जिम्मेदारी नहीं होगी, इसे श्रम मंत्रालय द्वारा स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। 1/4 कार्यबल के साथ काम की छूट पर संभव है दोस्तों, मतलब ये है। उसके बाद देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के प्रबंध करने पड़ेंगे। कल देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट्स होगी आप सभी छात्रों के लिए। तो कल दोस्तों हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा की तारीख पर जितने भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं वो सब कुछ कल क्लियर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल पीएम मोदी जी देश को संबोधित करने वाले हैं, और हो सकता है दोस्तों इस लॉकडाउन को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया जाए। लेकिन फिर तब हम यही कहेंगे
कि आप लोग की जो बीईओ की परीक्षा होनी है वो कब तक होगी, तो बस आपको इतना समझ के चलना है। जैसे दोस्तों अगर मान लेते कि कल आप लोग का लॉकडाउन समाप्त होता है, चलिए पहले हम यही मानते हैं कि 14 अप्रैल को दोस्तों हमारा लॉकडाउन समाप्त हो जाता है, उसके बाद दोस्तों कुछ ही दिन के अंदर, 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपकी नई परीक्षा की तारीख जारी कर दी जाएगी। तो अगर मानते हैं दोस्तों ये लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ जाता है, तो फिर नई परीक्षा की तारीख आपकी मई में आएगी, और दोस्तों अगर मई में भी लॉकडाउन बढ़ जाता है तो फिर जून में आएगी, जून में बढ़ता है जुलाई में। तो मतलब आपको ये समझना है कि लॉकडाउन दोस्तों जब तक चलेगा तब तक आपका पेपर नहीं होगा, लॉकडाउन समाप्त होते ही आप लोग तैयार रहना पड़ेगा। अगर इस समय दोस्तों आप लोग अपनी डबल मेहनत नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं पढ़ाई कर रहे, तो ये आपकी एक बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि देखिए इस समय गलती बच्चे क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत ध्यान आप लोग का भटक रहा होगा, घर में रहते रहते आप बोर हो रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ ना कुछ दोस्तों मानसिक तौर पर भी आपको अच्छा ना लग रहा हो घर पर रहते रहते, तो दिक्कतें होती हैं। अचानक से दोस्तों 21 दिन घर पर रहना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, तो फिलहाल आपको डबल मेहनत की जरूरत है और करिए। और परीक्षा की तारीख के लिए दोस्तों हमने फिर से बोल रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको ओपन करिए, सबसे पहले आपको पता चलेगा परीक्षा होने में कितना समय लग सकता है, ये सब कुछ आपके लॉकडाउन पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो हमने कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया उसको जल्दी से ओपन करिए और चेक करते रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो पहले जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके दोस्तों को बता दीजिए कि भाई आप ये मत सोच के चलिए आपका पेपर मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, बस ये समझ के चलना लॉकडाउन खत्म, पेपर शुरू, एक ही दिन का वैसे पेपर है, तो बस इतना समझना है। और आपका जो दोस्तों जो सेंटर चेंज की बात हो रही है वो मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों जो आपको एडमिट कार्ड जारी हो चुका है वही एडमिट कार्ड पर आपका पेपर होगा, हो सकता है कि दोस्तों आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जरूरत भी ना पड़े, और बहुत ही रेयर केस में दोस्तों हो सकता है कि आपको अपने पास का सेंटर मिले, लेकिन उसमें काफी देखिए दिक्कतें आएंगी। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन ये कराने वाले हैं सरकार, अगर ऐसी सोच रही है तो फिर काफी देखिए दिक्कतें आएंगी, मतलब फिर बच्चे पेपर कैसे देंगे, जैसे बस की सेवा जो बच्चे करना चाहेंगे उसमें कैसे ये पालन होगा, मतलब क्या दो दो सीट छोड़कर एक एक बच्चे बैठेंगे, तो मतलब काफी दिक्कतें आएंगी। तो मतलब एक चीज तो साफ है, आप लोग का जब पेपर होगा तो सब कुछ कोरोना वायरस का संक्रमण तकरीबन तकरीबन देश में समाप्त हो चुका होगा, बिल्कुल आपका भय के माहौल में आपका पेपर नहीं हो सकता, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल कल दोस्तों जो हमारी वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, कल मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।